तो ये है मेरे पास लावा अग्नि 2 स्मार्टफोन, और आज की हम बात करने वाले हैं इसके टेम्पर्ड ग्लास के बारे में। जी हाँ, जो कि मेरे पास ये आ चुका है, ये नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास आपको नहीं देखने को मिलता है, इसके यूवी लाइट के थ्रू के आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलते हैं ना, तो टेम्पर्ड ग्लास भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको देखने मिलता है। किस प्रकार से लगाना है वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन काफ़ी लोग ये बोलेंगे तेरे पास टेम्पर्ड ग्लास आया कैसे यार। सजेस्ट कर रहे थे कि Vivo V27 और 27 Pro का टेम्पर्ड ग्लास इसमें आप लगा सकते हैं Lava Agni 2 के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी 6.78 इंच की डिस्प्ले देखने मिल जाती है और 27 Pro में भी आपको 6.78 इंच की डिस्प्ले देखने मिल जाती है। तो देखेंगे ये टेम्पर्ड ग्लास इसके अंदर परफेक्टली तरीके से फिट होता है कि नहीं होता, क्या आपको ये ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी तक ऑनलाइन के अंदर भी यही हो रहा है, 27 Pro का टेम्पर्ड ग्लास Lava Agni 2 के नाम से बेचा जा रहा है, तो वो आज के दिन देखेंगे इसकी फिटिंग आती है कि नहीं आती, साइडों के एजेस पूरी अच्छी तरीके से कर्व होते हैं कि नहीं होते, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना है ना। टेम्पर्ड ग्लास को फिट करने से पहले बता दूं यार, मैं जनरली अपने चैनल पे इस प्रकार की वीडियो बनाता नहीं हूँ, अनबॉक्सिंग रिव्यू यही सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि 27 Pro का टेम्पर्ड ग्लास लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग परचेज कर रहे हैं, तो आपके रुपए वेस्ट ना हो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए वीडियो को एक लाइक जरूर करना यार, आपको एंड तक इस वीडियो को देखना है, आपको डिसीजन मिल जाएगा ये 27 Pro और 27 का आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। क्या आप हो सकता है ऑफलाइन के अंदर भी आप जाओगे तो आपको 27 Pro का ही टेम्पर्ड ग्लास इसमें लगा के दे दिया जाए, तो वो आज की वीडियो में सच आपको पता लग जाएगा यार। तो देखते हैं कुछ इस टाइप का आपको बॉक्स देखने को मिलता है इस यूवी टेम्पर्ड ग्लास का, ये डिफरेंट कंपनी के अलग अलग तरीके से हो सकती है, और इस जैसे इस बॉक्स को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ग्लू, जिसके वजह से इस टेम्पर्ड ग्लास को आपको लगाना है, तो थोड़ा सा यूनिक पैटर्न है इसको लगाने का, और ये हमारा टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है जो कि V27 और 27 Pro का है, क्योंकि सेम साइज में आपको देखने को मिलता है। अभी देखते हैं फिट बैठता है कि नहीं बैठता, और ये आपको देखने को मिल जाता है इसको ड्राई करने के लिए, और यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा यूवी लाइट, जिसके मदद से हमें इसके अंदर इसको सेट करना है इस टेम्पर्ड ग्लास को। टेम्पर्ड ग्लास को लगाने से पहले एक चीज़ आपको और बता दूं, आप घर पे लगाओ टेम्पर्ड ग्लास को या आप ऑफलाइन में जाके लगवाओ, तो यहाँ पे शॉप वाले को बोल देना भाई यहाँ पे जो स्पीकर है इसको पूरा का पूरा कवर कर दे, क्योंकि जो इसका ग्लू है थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता है थोड़ा बहुत, तो जिसके कारण आपकी साउंड क्वालिटी कम हो जाती है, साउंड क्वालिटी बिल्कुल बंद नहीं होगी, वो आपको गोलियाँ देके दे देगा भाई, तो ले जाए इसको, साउंड तो आ रही है लेकिन साउंड क्वालिटी उसकी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, तो ये जरूर से जरूर आप लगवा लीजिएगा और टेम्पर्ड ग्लास लगवाने से पहले, और इसको भी आपको कवर करना है। तो यहाँ पर रिसीवर वाली साइड भी मैंने इसको लगा दिया है, ताकि जब भी हम टेम्पर्ड ग्लास लगाए तो इसके अंदर ग्लू ना चला जाए। सिंपली मैं इसको फटाफट से इस फोन को पूरा क्लीन कर लेता हूँ, एक भी डस्ट ना रहे इसका थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो वहाँ पे थोड़ा बबल रह जाएगा, इसीलिए आप ऑफलाइन में जाके भी इसको करवा सकते हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ये टेम्पर्ड ग्लास है, थोड़ा ध्यान से लगाए। उसके बाद यहाँ पे वो ग्लू रखना होगा, ग्लू अपने हिसाब से एक जगह पे रख सकते हैं, मैंने अलग अलग जगह पे यहाँ पे रखे हैं, मैं कोई इसी तरीके से सेट बैठता है। उसके बाद हम अपने टेम्पर्ड ग्लास को लगाएंगे, तो जो भी कण आपको बीच में आए तो वो वहाँ से आपको निकाल देना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको निकालने के बाद आपको इसको लगा देना है, लगाने के बाद ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के अंदर ऑटोमेटिकली सारी जगह ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्लू फैल जाएगा, बस आपको वेट करना होगा यहाँ पे। तो सिंपली उसके बाद आपको क्या करना है, यूवी लाइट अपने चार्जर के साथ कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद इस यूवी लाइट को इसको आगे पीछे तक लेके जाना पड़ेगा। अभी कितने मिनट तक करना है, ऑलमोस्ट इसका टाइम है 3 से 4 मिनट, सभी टेम्पर्ड ग्लास में यही लिखा होता है, ठीक है। बाकी हो सकता है आपने कोई एक्सपेंसिव टेम्पर्ड ग्लास देख लिया हो, तो वहाँ पे कई बार होता है उनका ग्लू अलग टाइप का होता है, तो वहाँ पे देख लेना बॉक्स पे, कई बार वहाँ पे 1 मिनट भी लिखा होता है, तो 1 मिनट या 3 से 4 मिनट ज़्यादातर से होता है, 3 से 4 मिनट तक आपको यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर इसको यूवी लाइट को आगे पीछे करना पड़ेगा, ज़्यादा मिनट तक मत करना, थोड़ी देर तक करना, 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा आप मत करना। उसके बाद ये पूरी अच्छी तरीके से आपके फिट हो जाएगा। ध्यान रखना जब टेम्पर्ड ग्लास लगा लो तो टेम्पर्ड ग्लास पे छेड़छाड़ मत करना, पहले यूवी लाइट 3-4 मिनट तक आपको करना होगा, उसी के बाद टेम्पर्ड ग्लास के साथ छेड़छाड़ करें, नहीं तो टेम्पर्ड लाइट की जो पोजीशन है ना वो चेंज हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल वहाँ पे सेट नहीं होता, उसीलिए यूवी लाइट की हमें जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल के लिए जो टेम्पर्ड ग्लास है हमारे फ़ोन के अंदर परफेक्टली तरीके से फिट हो चुका है, और यहाँ पे मेन बात करें इसके साइडों के एजेस पूरी अच्छी तरीके से फिट हुए हैं कि नहीं हुए, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कोई भी यहाँ पे साइडों में देख सकते हैं हवा नहीं आपको देखने मिलती, परफेक्टली तरीके से यहाँ पे कर्व हो चुकी है। जी हाँ, V27 और V27 Pro वाला टेम्पर्ड ग्लास इसमें आप फिट कर सकते हो, दोनों में सेम डिस्प्ले का साइज है, तो परफेक्टली तरीके से फिट हो गई यार, देख सकते हैं। तो साइडों के एजेस वाले कई लोगों को डाउट थे कि होंगे कि नहीं होंगे, तो परफेक्टली तरीके से फिट हो चुके हैं यार मेरे फ़ोन के अंदर V27 Pro और 27 Pro का आप टेम्पर्ड ग्लास लगाते हो। तो ये कुछ आपको देखने मिलता था, ये टेम्पर्ड ग्लास अपने फ़ोन के अंदर यूज कर सकते हो परफेक्टली तरीके से, एजेस वगैरह कर इसमें सेट हो जाते हैं, ये टेम्पर्ड ग्लास आप यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टैग करेंगे, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।